हेलो एवरीवन, ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एमसीक्यू है, सेकंड है। इसमें पहले जो वीडियो था हमने उसमें एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए थे। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंजेस कंटिन्यूअसली रिमेन कॉन्स्टेंट, जीरो और नन। तो ऑप्शन बताइए क्या है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट किया जा सकता है ऑप्शन, ठीक है। एटम्स या टू एटम्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन फिक्स इन रिलेटिव पोजिशन, बट द वाइब्रेट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग दैम एज दे आर कनेक्टेड बाई मास लेस स्प्रिंग। Thus, the distance r between two atoms of diatomic molecule changes in periodic manner about a mean r naught. इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, changes continuously. Next question है, we treat molecule as a enharmonic oscillator. The potential energy function V r is parabolic, non-parabolic, zero, none of these. तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वी आर, वो नॉन पैराबोलिक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर गिवन बाय ई वी इक्वल टू न्यू प्लस वन एच न्यू नॉट, ई न्यू इक्वल टू न्यू प्लस हाफ एच न्यू नॉट, जीरो, नन। वाला एक्सप्रेशन करेक्ट ऑप्शन है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी आइगन फंक्शन होता है ई न्यू इक्वल टू ई न्यू, या एन भी लिखा होता है कुछ बुक में, ई एन है ना, तो ई न्यू इक्वल टू न्यू प्लस हाफ एच न्यू नॉट, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रा ब्रेड बैंड कैन बी एक्सप्लेन बाई टेकिंग मॉलिक्यूल एज रिजिड रोटेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, वाइब्रेटिंग रोटेटर, नन ऑफ दीज। तो तीन तरीके के हम बैंड कंसिडर कर सकते हैं। पहला है इंफ्रा बैंड। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो वाइब्रेटिंग रोटेटर है एंड नियर इंफ्रा रेड बैंड हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो हम तीनों के डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, अल्ट्रा वॉयलेट और विजिबल रीजन में। वाइब्रेटिंग कह लीजिए या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये मिलता है नियर इंफ्रा रेड बैंड या रीजन में। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा फार इंफ्रारेड बैंड और रीजन में, पर बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटिंग मॉलिक्यूल एज वाइब्रेटिंग रोटेटर फॉर अ गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, द रोटेशनल ट्रांजिशन डेल्टा जे प्लस वन गिव्स द वन सेट ऑफ लाइन कॉल्ड आर ब्रांच, बी ब्रांच, क्यू ब्रांच, नन ऑफ दीज। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए डेल्टा न्यू इक्वल टू प्लस वन, ठीक है, ये तो रहना ही है, डेल्टा जे प्लस वन, डेल्टा जे जीरो, डेल्टा जे माइनस वन, तो कौन सा ब्रांच मिलेगा। इस केस में आर ब्रांच मिलेगा, इस केस में क्यू ब्रांच मिलेगा, इस केस में पी आर क्यू पी ब्रांच मिलेगा, आर क्यू पी ब्रांच। तो डेल्टा न्यू इक्वल टू प्लस फ्रिक्वेंसी का जो ट्रांजिशन है या वाइब्रेशन का जो ट्रांजिशन है वो प्लस वन है, डेल्टा जे प्लस वन आर ब्रांच, डेल्टा जे जीरो क्यू ब्रांच, डेल्टा जे माइनस वन पी ब्रांच। तो इस क्वेश्चन में डेल्टा प्लस वन दिया है तो आर ब्रांच हो जाएगा, माइनस दिया होता तो आप पी लिख देते और जीरो दिया होता तो क्यू लिख देते, ठीक है। तो वेरिएशन से ही एमसीक्यूज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो पॉइंट एनर्जी ई नॉट इज गिवन बाय ई इक्वल टू जीरो, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट हाफ, एच न्यू हाफ, नन ऑफ दिस।
तो सबको पता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी पीछे एक्सप्रेशन भी आया था, एक म्यू प्लस हाफ एच न्यू नॉट, तो न्यू यहाँ पे 0 पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा, तो ये हाफ एच न्यू नॉट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर हेटरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, रिड्यूस मास, नन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। ऑर्डर ऑफ यू नॉट, ई न्यू एंड ई आर इज, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ई इज ग्रेटर देन ई न्यू इज ग्रेटर देन ई आर। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व इन एमिशन ओनली, इन एब्जॉर्प्शन ओनली, बोथ इन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ओनली, नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है बोथ एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में ऑब्जर्व होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द वाइब्रेशनल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंड कैन बी एक्सप्लेन। फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल, वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, मोज़ले लॉ, नन ऑफ दीज। तो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल इज अ करेक्ट ऑप्शन। वाइब्रेशनल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक बैंड कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ सेम मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट रिड्यूस मास, डिफरेंट फोर्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंट रिड्यूस एंड सेम फोर्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दीज। आइसोटोपिक फॉर्म में जो है डिफरेंट रिड्यूस मास होता है और सेम फोर्स कॉन्स्टेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ चेंज इन थ्री एनर्जीज इज गिवन बाय, अभी पीछे किया था उसी से है, बस क्या कर रहा है चेंज किया है, तो द चेंज भी फिर उसी अकॉर्डिंग होगा। तो चेंज सबसे ज्यादा किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक में, फिर वाइब्रेशन में, फिर रोटेशनल में, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नंबर डिफरेंस ऑफ स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेव नंबर ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन, बोथ ए एंड सी एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस, नन ऑफ दीज। तो रमन इफेक्ट में जो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन्स हमें मिलती हैं वो वेव नंबर ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस पे। और अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन का, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू न्यू नॉट। देखिए एक में क्या करेंगे, माइनस डेल डेल न्यू लगाएंगे, इसको डबल से दिखा देती हूँ, न्यू नॉट प्लस डेल न्यू, ठीक है, प्लस जो है ये एंटी स्टोक लाइन है, ये स्टोक लाइन है, तो स्टोक लाइन में फ्रिक्वेंसी कम होके मिलती है, एंटी स्टोक में लाइन में फ्रिक्वेंसी बढ़कर मिलती है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से। और ये जो डेल्टा न्यू है ये रमन शिफ्ट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस। इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन इज मोर देन पेरेंट लाइन, लेस देन पेरेंट लाइन, इक्वल टू पेरेंट लाइन, नन ऑफ दीज। तो इंटेंसिटी जो है वो रमन स्पेक्ट्रा में लेस देन पेरेंट लाइन होती है, इंटेंसिटी जो है रमन लाइंस में लेस देन पेरेंट एटम होती है, और जो एंटी स्टोक लाइंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी तो बहुत वीक होती है, वो बहुत वीक होते हैं देन स्टोक लाइन से, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंटी स्टोक लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। इन रियलाइज स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन अनचेंज, नन ऑफ दीज। तो चाहे रमन स्कैटरिंग हो चाहे रियलाइट स्कैटरिंग हो, दोनों में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन होता है। जो रियलाइट स्कैटरिंग है उसमें जो रेडिएशन स्कैटर्ड होता है उसका जो वेवलेंथ है वो अनचेंज रहता है, जबकि रमन स्कैटरिंग में वेवलेंथ इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। और रियलाइट स्कैटरिंग में जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फोर्थ पावर पे होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, और इस तरीके का कोई रिलेशन जो है रमन स्कैटरिंग में लेकिन नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि रियलाइट स्कैटरिंग का है तो रिमेन अनचेंज्ड।
wavelength. In Raman scattering, these are both increases and decreases in wavelength. Is increase in wavelength, is decrease in wavelength, none of these. अभी मैंने previous question में बताया Raman scattering में जो wavelength है वो increase भी होती है और decrease भी होती है. तो option A is a correct option. Out of different permissible value of delta nu equal to delta plus minus 1, delta nu equal to plus minus 2, plus minus 3, etc. Which is highest probability? तो highest probability अभी पीछे मैंने question QPR branch का किया था, मैंने बताया भी था delta nu equal to plus 1 ले रहे थे हम, ठीक है. तो highest probability इसी की है. तो यानी कि B option is a correct option, delta nu plus minus 1. इस क्विज को हम यहीं पे एंड करते हैं. होप कि आपको अच्छा लगा होगा और जैसा भी लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए. अगर कुछ कमी है तो भी फीडबैक दीजिए जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं. और आपके जो फीडबैक्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. आई रियली अप्रिशिएट कि आप जो मुझे फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट और आगे वीडियोज लेके आती हूँ. तो प्लीज वो कमेंट्स हमें करते रहें और लाइक और शेयर भी करते रहे. थैंक यू.